तो पिछली बार ग्रैनी चैप्टर 2 में हमने ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों से मिले और उनका बोट चुरा लिया था एंड हमने बोट एस्केप किया था। लेकिन अभी भी इस गेम में दो और एस्केप बचते हैं जिसमें से आज हम एक करेंगे एंड वो है अपना मेन डोर एस्केप। तो चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे मैं गेम में आ चुका हूँ और स्टार्ट करते हैं एंड डे 1। चलो ये अपना पहला दिन है और मुझे एक ट्रिक पता चला है, मैं आपको बताता हूँ। और ये देखो यार, वही जगह है, ऑब्वियसली सेम गेम है तो वही जगह रहेगा ना। एंड अपना कैरेक्टर यहाँ पे उठ चुका है, जल्दी से अब चलते हैं। एंड एक ट्रिक मुझे पता चला, रुको गाइस मैं बताता हूँ, इसे ओपन करते हैं। ये डब्बा तो बाद में खुलेगा सामने वाला, हमको क्रोबार चाहिए होगा ना इसके लिए। हाँ, तो जो ट्रिक है ना गाइस, वो क्या है ना कि यहाँ पे जो ये डोर है ना, इधर अगर मैं साउंड करता हूँ तो ग्रैनी और ग्रैंडपा इनमें से कोई ना कोई इधर चेक करने आएगा, हमको बस उधर छुप जाना है, फिर हम ऊपर जाके अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो इसको यूज़ करते एक बार। ये देखो आवाज़ कर दिया, अब निकल लेते हैं फटाक से भाई इधर, और यहाँ पर मुझे बस ऐसे छुप जाना है। और इधर क्या है, वेट, इधर कुछ है, डोर लॉक, ये काम आता है क्या डोर एस्केप के, पता नहीं। वेल यहाँ पे वेट करते हैं किसी के आने का। देखो गाइस ग्रैनी गई, ओके अब ग्रैंडपा कहाँ है, ग्रैंडपा आ जाता तो दिक्कत ही खत्म हो जाती, लेकिन ये पता नहीं ग्रैंडपा कहाँ है। कोई ना, हम ऊपर चल के एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, हमको डोर एस्केप करना है, ये बात भूलना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ड्रॉअर में चेक करते हैं कि इसमें आखिर क्या है, बोट की, नहीं यार बोट एस्केप थोड़ी करना है। और इस रूम में घुस जाते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे हमारा गोल है इस डोर के सारे लॉक्स अनलॉक करना और यहाँ से निकलना। अब इन ड्रॉर्स में चेक करते हैं, रेंच मिल गया मुझे, और बाकियों में क्या है, कुछ नहीं भाई, एक ही ड्रॉर में रहता है, पता नहीं तीन क्यों खोलने के लिए भी देते हैं। और इधर सेफ की लगेगा ना, तो सेफ की ढूंढना पड़ेगा, ग्रैनी ना हो बस बाहर देखे तो। ओके कोई नहीं है, हम यहाँ से निकल लेते पीछे की तरफ, इधर थोड़ा ढूंढते कि इधर क्या है, इस घड़ी में होता है, कुछ नहीं है इधर भी। अब पीछे की तरफ एक है, उसे चेक कर लेता हूँ बस, ग्रैंडपा या ग्रैनी कहीं से ना आ जाए। इसमें कुछ नहीं है भाई, क्यों दे रखा है ये जब कुछ देना ही नहीं है। अब मुझे बाथरूम चेक करना चाहिए आई गेस, बाथरूम, अरे ग्रैनी इधर ही है, भागो भाई ये तो पीछे ही पड़ गई। और एक तो इस गेम में चेज म्यूजिक भी नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी नीचे की तरफ जाता हूँ, वही मैं बच सकता हूँ, चल भाई। अरे ये क्या हुआ भाई, ट्रैप निकाल, ट्रैप निकाल, पीछे ग्रैनी है, पीट डालेगी अपने डंडे से। ओके ओके जल्दी से छुपते हैं यहाँ पे। ओके बच गया भाई, सेफ, देखो जस्ट पीछे थी मेरे। मैंने फिर से वो वाला ट्रिक यूज़ किया है और देखो ग्रैनी आ गई, बट ग्रैंडपा कहीं नज़र नहीं आ रहा। अरे वो बहरा है ना, उसे कहीं सुनाई नहीं देता होगा। कोई ना, हम ऊपर चल देते हैं, ऊपर जाके मुझे बाकी का भी एक्सप्लोर करना है। वेट, ग्रैनी पीछे ही पड़ी हुई है, देखा, चेज म्यूजिक नहीं है तो पता ही नहीं चलता ये कब पीछे पड़ जाती है। अब यहाँ ऊपर ग्रैंडपा ना मिले बस। ओके ग्रैंडपा नहीं है, ऑलराइट बहुत सही, अंदर चलो, सेफ भाई बच गए। पर यार कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, ग्रैनी पीछे ही पड़ जा रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को कोई भी आइटम नहीं मिला है अब तक डोर एस्केप से रिलेटेड। ओके अब शायद से ग्रैनी नहीं आएगी इधर, मुझे निकल जाना चाहिए। अरे आ गई भाई, देखो गाइस ग्रैनी अब जा चुकी है, मुझे निकल जाना चाहिए। इस डोर को पहले तो बंद कर देता हूँ। ओके डोर बंद कर दिया, अब मुझे बगल वाला ये चेक करना है, रुको इसे ओपन करते हैं, बस मुझे धक्का देना है ना, ये अपने आप गिरता है। फिर से एक बार देते हैं, ओके इस बार गिर जाएगा शायद से। चलो गाइज ये यहाँ पे गिर चुका है, और इधर कटिंग प्लायर्स है, नाइस यार ये काम आता है डोर एस्केप पे, बिजली काटने के काम आएगा। कटिंग प्लायर्स मिल गया, और इस साइड वाला रास्ता भी मैं खोल देता हूँ। चलो दोनों साइड का रास्ता खुल गया है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, तो आगे की तरफ चलते हैं और ड्रॉर्स चेक करते। अरे दद्दा भाई ये तो इधर ही है, ग्रैंडपा इधर है भाई, ये कुछ कर नहीं ना देगा, देखो पीछे पड़ा हुआ है, तुझे तो मैं बताऊंगा, रुक ग्रैंडपा मेरे को शॉटगन मिलने दे बस एक बार। आई गेस दोनों नीचे जा चुके हैं, क्योंकि ग्रैंडपा मेरा पीछा करते हुए किचन में गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों जा चुके हैं। तो अब हम ये वाला फ्लोर पूरा चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये ड्रॉर चेक करते हैं, नथिंग भाई, क्यों दे रखा है ये ड्रॉर अगर कुछ होना ही नहीं है तो। ये दोनों मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग कुछ दे नहीं रहे। इसमें चेक करते, अरे स्टन गन मिल गया भाई फाइनली। अब मैं बताता हूँ ना इन लोग को कि कौन असली बॉस है भाई, मुझे लिटरली तब से कुछ करने ही नहीं दे रहे, कभी ग्रैंडपा पीछे पड़ जा रहा है तो कभी ग्रैनी, लेकिन अब सही है, अब स्टन गन मिल गया ना। यहाँ पे क्या है, डोर हैंडल, चलो हमको डोर एस्केप का सेकेंड आइटम मिल चुका है, डोर हैंडल। और इन ड्रॉर्स में क्या है, सेफ की, गाइज यहाँ पे हमको सेफ की भी मिल चुका है। अभी फिलहाल तो मुझे इन दोनों को निपटाना पड़ेगा ताकि ये लोग मेरे रास्ते में ना आए। ये देखो गाइस, ये आई ग्रैनी और ये पूरा हिला डाला ना ग्रैनी, देखो कैसे नचा डाला पूरा। और ग्रैंडपा कहाँ है, वो उसको भी खत्म कर दे तो भाई दिक्कत ही खत्म हो जाएगी एक मिनट के लिए, लेकिन ये ग्रैंडपा आ ही तो नहीं पाता, घुटनों में दर्द होगा ग्रैंडपा के। देखो आ गया, चलो इसे भी मारते, और ये भी गया, बड़ा आया भाई। अब इससे ये की ले लेते हैं ना, सिक्योरिटी की, हमारा एक रूम ओपन हो जाएगा। अरे लेने दे भाई, ये देखो ये मिल गया सिक्योरिटी की, इसे खोल देते हैं, बाद में चेकआउट करेंगे, अभी ओपन कर देते बस। अभी मेन तो मुझे ये स्टन गन लेके बाकी चीज़ें चेक करनी, हट भाई ग्रैंडपा। ओके
बेडरूम वाला डोर भी ओपन कर देते हैं। यहाँ से हमारा एक शॉर्टकट बन जाएगा, इसे ओपन करते हैं और ये लो, यहाँ से वो आराम से आ जा सकते हैं। पहले इस टन गन को मैं इधर गिरा देता हूँ। अब जाकर अपना डोर हैंडल ले आते हैं, इसे भी ले आया हूँ मैं, और इसे भी यहाँ पे फेंक देते हैं। ओके डन गाइज, अब स्टन गन वापस से उठाओ क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा आ चुके होंगे, उनको निपटा के मुझे बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। हाँ भाई ग्रैंडपा इधर ही हूँ, आ जा। और ये गया ग्रैंडपा, भाई पूरा हिल जाता है, बिजली के झटके पूरे दौड़ जाते हैं। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और सेफ की लेके सेफ ओपन करते हैं, वहाँ से अगर कुछ काम का चीज़ मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो यहाँ से मैंने सेफ की लिया, अब नीचे चलते हैं। और गाइस जो ग्रिल टाइप लगा है ना डोर पे, देखो ये जो लोहे का, इसको हटाने के लिए हमको हैंड व्हील चाहिए होगा। और इसमें क्या है, स्पार्क प्लग। भाई नहीं यार, लिटरली नो यूज़, क्या करूँगा इसको लेकर, मुझे अब बाकी जगह चेकआउट करना पड़ेगा। और ये दद्दा को फिर से हमने करंट दे दिया है, और दद्दी को तो पहले ही निपटा दिया है। अब यहाँ से ये स्टन गन का एमो उठाओ, और स्टन गन यहीं रहने देता हूँ, काम आएगा। अब मुझे गाइस यहाँ पे पूरा किचन चेक करना है, देखते हैं किचन में आखिर क्या है। इधर कुछ नहीं है, अब इन सब को ओपन कर दे। यहाँ पे टेप है, लेकिन टेप तो हेलीकॉप्टर के काम आता है ना, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं। गाना चलाओ यार, थोड़ा गाना चलाते हुए एक्सप्लोर करते हैं। और इसके अंदर क्या, हैंड व्हील। ओके ये हुई ना कुछ बात, हमको हैंड व्हील मिल चुका है, तो चलते हैं इसको नीचे लगा देते हैं। पहले मैं बाकी सब चेक कर लूँ, और इन सब में भी कुछ खास है नहीं, बस हैंड व्हील एक मिला काम का, और ग्रैंडपा का गाना थोड़ा सा बढ़िया था। और यहाँ पे एक चेक नहीं किया है ना, क्या इधर कुछ नहीं है। भाई क्यों दे रखा है इतने सारे ड्रॉर्स कबर्ड जब कुछ होना ही नहीं है। अब इस हैंड व्हील को लगा देता हूँ यहाँ पे, देखो इधर लगेगा ये हैंड व्हील, और इसको घुमाते हैं अभी। ये लो घुमा दिया पूरा। अब ऊपर का जो ग्रिल है ना वो हट गया होगा, मैं चलकर दिखाता हूँ। वेट, यहाँ से ऊपर चलते हैं, एंड देखो गाइस वो डोर पे देख रहे हो, पूरा जो ग्रिल था वो ऊपर की तरफ हो गया है। अब बस मुझे यहाँ की बिजली हटानी है, तो बिजली के लिए कटिंग प्लायर्स लगेंगे ना, तो ऊपर चलते हैं। आजा ग्रैनी आजा, और स्टन गन उठाओ, और ये लो ग्रैनी तो गई, पूरा नचा डालते हैं अपन ग्रैनी को। और अभी चलकर नीचे चेक करते हैं कि डोर में और क्या क्या लगेगा। और ऑलराइट गाइस यहाँ पे मैं नीचे आ चुका हूँ, अब चेक करते हैं। तो इस बिजली के लिए हमको कटिंग प्लायर्स लगेगा, वो है यहाँ देखे तो, यहाँ पे अपना पैडलॉक की लगेगा, इधर डोर हैंडल और इधर क्रोबार। तो इस बिजली को तो मैं हटा दूंगा आराम से अपने कटिंग प्लायर्स से। बाकी डोर हैंडल है हमारे पास, पैडलॉक की और क्रोबार, ये दो चीज़ें हमें ढूंढना है। फिलहाल अभी मैं इस बिजली को काट देता हूँ, रुको। यहाँ पे ये रहा अपना कटिंग प्लायर्स, और इस पेंटिंग के पीछे होता है ना, इसे कट करते हैं, रुको। और ये डन, हमने यहाँ पे बिजली काट दिए, और हमारे पास डोर हैंडल पड़ा हुआ है, बस दो चीज़ें और चाहिए किसी भी तरह, पैडलॉक की एंड क्रोबार। क्यों ग्रैंडपा, एकदम एनर्जेटिक वाली फीलिंग आती है ना इस टन गन से, लॉल। यहाँ पे इन दोनों को निपटा दिया है, और अब चलकर नीचे चेक करते कि बिजली हटी है कि नहीं, या फिर मुझे कोई और तार काटना पड़ेगा। अब देखे तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हट चुकी है, और मेरे पास डोर हैंडल है ना, तो डोर हैंडल लगा दूंगा। क्रोबार चाहिए, क्रोबार कहाँ मिलेगा यार, मैंने सब जगह चेक कर लिया है। ये बाकी है ना, ये पूरा फ्लोर बाकी है, तो इसे चेक करते हैं। यहाँ पे पहले ये शॉटगन वाला रूम खोल देते हैं, यहाँ पे भी कुछ आइटम होते हैं कभी कभार, तो इसे भी एक बार चेकआउट करते चलते हैं। और इधर तो बोट हैंडल है भाई, बाथरूम चेक करते, बाथरूम में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर पेंटिंग है, इधर ओपन करते हैं, अरे गैसोलीन पड़ा हुआ है, अरे पूरा चेक तो कर लिया और क्या बचा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। मेरे को कंटिन्यूशन के लिए कुछ तो चाहिए, क्रोबार कहाँ मिलेगा आखिर। ग्रैनी का काम तमाम यहाँ पे कर दिया है मैंने एक मिनट के लिए, अब बस ग्रैंडपा बचा है, तो उसे भी निपटाते हैं। रुको देखने दो मुझे आखिर ये ग्रैंडपा कहाँ गया। ओ ग्रैंडपा तदू कहाँ पे है, अरे निकल ही नहीं रहा, ये बहुत स्लो है ना ग्रैंडपा, देखो आ गया। चलो इसे भी ख़त्म करते हैं, और ये भी गया। अब गाइस देखो मैंने हर जगह चेक कर लिया है, बस नीचे का एक जगह बचता है जहाँ से आपको कंटिन्यूशन मिल सकती है, और ये जगह है गाइज अपना गार्डन। मैंने बाकी सब जगह चेक कर लिया है, यहीं पे कुछ होना चाहिए, तो एक काम करते हैं अपना स्टन गन लाते हैं और उस एलियन को निपटा कर यहाँ पे चेकआउट करते हैं। ऑलराइट गाइज यहाँ पे मैं स्टन गन लेके आ चुका हूँ, लेकिन मुझे रेंच की भी ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पे बीच में ड्रेनेज सिस्टम है ना, तो उसको हटाना पड़ेगा रेंच की मदद से। तो रुको मैं रेंच लेके आया अभी, आई गेस मेरा रेंच यहीं पे होना चाहिए, और मिल गया, रेंच मिल चुका है। वापस चलते हैं, और मुझे कमेंट से पता चला गाइस कि ये कोई एलियन नहीं है, सिलेंड्रिना का चाइल्ड है। कुछ भी ये कैसे हो सकता है भाई, सिलेंड्रिना तो घोस्ट है एक, पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे अभी इस रेंच को लगाने दो, अभी यहाँ पे इसे बंद करते हैं, रुक जाओ इस नट बोल्ट को खोलते हैं जो भी है ये। ओके ये खुल गया, अब मुझे ग्रैनी ग्रैंडपा को निपटाना होगा क्योंकि यहाँ पे मैं ये रेंच फेंकूंगा तो आवाज़ हो जाएगा, तो ग्रैनी आएगी। ये देखो ये आई ग्रैनी, और इसको शूट कर देते हैं, ये गई। और ग्रैंडपा कहाँ गया, ग्रैंडपा कहाँ रह गया, ग्रैनी को तो मैंने निपटा दिया, ग्रैंडपा भी आ जाए ना तो सही रहेगा, बट ग्रैंडपा है किधर। 2000 years later. यार मैं कब से वेट कर रहा हूँ, ये ग्रैंडपा मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, कहाँ रह गया भाई, सो गया क्या। छोड़ो भाई ग्रैंडपा को, मैं इस एलियन को निपटाता हूँ पहले, देखो मुझे नजर ही नहीं आ रहा वो कहीं पे।
इस एलियन को निपटाते हैं, इधर ही खड़ा है और ये लो ये गया ये एलियन। भाई आवाज़ कितना क्रीपी करता है, इसे उठाओ, ग्रैंडपा आएगा भागे भागे, क्योंकि इसे मारते ही दोनों ग्रैनी ग्रैंडपा एग्रेसिव हो जाते हैं। अब मुझे यहाँ पे कोपचे पे खड़े रहने दो, आ जाओ भाई ग्रैनी और सिलेंट्रीना, स्कैरी भाई हर टाइम की तरह। ग्रैंडपा आ गया, देखो ग्रैंडपा आ गया, इसे शूट करते, ओके ग्रैंडपा गया, अब ग्रैनी आएगी, आंखें देख रहे हो एकदम लालम लाल हो रखा है, मैंने कहा था ना ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। ग्रैनी किधर है, आ जा ग्रैनी, ये देखो ये आई ग्रैनी, इसे भी मारते और ग्रैनी भी गई, इसकी आंखें नॉर्मल है पता नहीं कैसे। फिलहाल अभी इसे उठाते और चलते गाइस अंदर चल के चेक करते इधर आखिर है क्या, हमने इतना झोलमाल किया है कुछ अच्छा होना चाहिए। और क्रोबार, फाइनली यार हमको यहाँ पे क्रोबार मिल चुका है हमारे डोर एस्केप के लिए एक और आइटम। अभी इस क्रोबार को लेकर मैं नीचे बॉक्स में चेक करता हूँ कि आखिर उसमें क्या है। सो गाइस मैं यहाँ पे बेसमेंट में आ चुका हूँ, अब इस बॉक्स को ओपन करते और वेपन्स की ये हुई ना कुछ बात, अब हम शॉटगन ले पाएंगे और इन दोनों को भूम भाम कर पाएंगे। एक बार मुझे चलने दो, शॉटगन लेते हैं अभी जल्दी से, ठीक है। ये देखो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, इसे ओपन करते ये रहा अपना शॉटगन, एमो रिलोड करते हैं, अब बुलाते हैं दोनों को, अब देखो कैसे इनको भूम भाम करूँगा। एक बार आवाज़ कर देता हूँ ना मैं, आ गई ग्रैनी, एम करते और ये छत्ती पे उड़ा दिया भाई ग्रैनी को, देखो कैसे लुढ़क गई। और ये ग्रैंडपा ये भी गया, ये तो फेंका गया भाई लहल, ग्रैंडपा पूरा फेंका गया दूर तक। अब यहाँ पे फिर से क्रोबार लेते और ऊपर एक बॉक्स है वहाँ चेक करते, आई गेस वहीं पे पैडलॉक की होना चाहिए। शॉटगन भी रिलोड दे देता हूँ, ओके डन, शॉटगन भी रिलोड हो गया। अब क्रोबार से ये प्लैंक्स हटाते अपने डोर का, ये पहला प्लैंक हटा दिया मैंने और दूसरा प्लैंक हटा दिया। इधर डोर हैंडल भी कहीं पड़ा होना चाहिए, यहाँ पे तो पैडलॉक की लगेगा, बाकी डोर हैंडल कहाँ गया, अरे यहीं कहीं तो फेंका था मैंने, किधर गया, अरे डोर हैंडल, रुको यार ग्रैनी ग्रैंडपा आ जाएगी, मुझे शॉटगन लाने दो। आ जाए दादी और दादी की छत्ती उड़ा दी ग्रैंडपा कहाँ गया अब, अरे ग्रैंडपा किधर गया, अरे तेरी वाइफ को यहाँ पे ढेर कर, ये आया ग्रैंडपा और ग्रैंडपा भी गया, ग्रैंडपा तो यहाँ स्टेयर्स में फेंका गया। अब गाइस अपना पजल सॉल्व करना कंटिन्यू रखते हैं, क्रोबार उठाओ, अरे ये रहा दिख गया मुझे डोर हैंडल, इसे लगा देते हैं, ओके यहीं पे था मुझे दिख नहीं रहा था बस, अब सिर्फ पैडलॉक की रह गया है। तो एक काम करते हैं क्रोबार लेकर ऊपर चलते हैं, आई गेस वहाँ पे ही कुछ होना चाहिए जो एक बॉक्स है ऊपर। ऑलराइट गाइस मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ, अब इस बॉक्स को ओपन करके चेकआउट करें तो पैडलॉक की, भाई मुझे लगा ही था कि यहीं पे होगा और मिल गया। अब गाइस हमारे पास डोर एस्केप करने के लिए सारे आइटम्स है, पैडलॉक की हो गया ना, अब तो हो गया समझ लो डोर एस्केप, चलते हैं। देखो एक आखिरी चीज बचा था वो ये लॉक था और उसके लिए भी हमको पैडलॉक की मिल गया, लेकिन 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 ग्रैनी ग्रैंडपा ने हमारे प्लेयर को बहुत सताया है भाई, वो अपना मस्त कार में जा रहा था उसे पकड़ के यहाँ पे बंद कर दिए अंदर, अब इसका बदला तो लेना बनता है ना, इतनी आसानी से थोड़ी जाएगी, तो रुको इनको सताएगी थोड़ा फिर हम अपना एस्केप करेंगे, सब कुछ तो रेडी ही है। ग्रैनी ग्रैंडपा वेयर आर यू, कहीं दिख ही नहीं रहे, ये रही ग्रैनी और ये लो ग्रैनी को उड़ा दिया भाई, डरा दिया यार थोड़ा सा, सामने ही थी। अब ग्रैंडपा आएगा भागे भागे, कहां पे भाई ग्रैंडपा, अब मैं बोलूंगा ग्रैंडपा को आईसीयू, ये देखो आईसीयू ग्रैंडपा, ये ग्रैंडपा को भी उड़ा दिया, छोड़ूंगा नहीं भाई इनको, इनके नाक में दम कर दूंगा पूरा, देखो बस गाइस गाइस देखो ग्रैंडपा ने अभी गाना चला दिया और देखो भाई नाच रहा है, अरे ग्रैंडपा दी जान, ठुमके देखो ग्रैंडपा के, अरे रुको अभी बताते हैं, और ये लो नाचेगा, देखो बंदा घर पे शॉटगन लेके घूम रहा है, ये नाच रहा है, मैं भी थोड़ा बजाऊं, रुको इसे बजाते हैं, और ग्रैंडपा नाच रहा था मारो इसको, चलो ग्रैनी आती होगी, निकल लेता हूँ। मैंने अभी जस्ट पियानो की आवाज़ सुनी, रुको रुको जाके चेक करते, ग्रैनी शायद से पियानो बजा रही है, देखो पियानो बजा रही है भाई छोरी, इधर आ, और ये लो फेंका गई भाई कितना दूर, ग्रैंडपा भी आ गए, इसे भी पीटो, दोनों गए लॉल भाई, उनको कुछ करने नहीं दे रहा हूँ घर पे, शॉटगन से उड़ाए जा रहा हूँ दोनों को, बड़ी खुशी हो रही है भाई इन दोनों को इस तरह से पीट कर। ऑलराइट अब बहुत मस्ती मजाक हो गया, हम भूल नहीं सकते कि एक हॉरर गेम है, तो श्योर कर देता हूँ ग्रैनी को बुलाते हैं, उनको निपटा कर फिर यहाँ से 9-2-11 होते हैं। कहाँ है ग्रैनी, दिखी नहीं रही मुझको तो, ओके ये रही ग्रैनी और ये लो छाती पे शॉट, अरे कितना दूर फेंका ये देखो, डायरेक्ट टू स्टेयर्स के पास चली गई। ग्रैंडपा कहाँ है, आ जा ग्रैंडपा तेरी वाइफ को निपटा दिया, तू भी आ जा, ये देखो ये आया ग्रैंडपा, आ जा इसके भी छत्ती पे एम और ये भी गया, दोनों को भाई ढेर कर डाला है। और यहाँ पे अपना शॉटगन फेंकते हैं, पैडलॉक की उठाते हैं, ये मिल गया पैडलॉक की, जा रहा हूँ भाई ग्रैनी ग्रैंडपा, फिर किसी को उठाना मत, मेरे ऐसा मिल गया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ओके इसे मैंने ओपन कर दिया है, अब भाग लेते और हो गया अपना डोर एस्केप।
देखो दोनों देखते रह गए और मैं तो निकल गया एंड कार बाहर खड़ी है क्या पार्ट वन वाली लॉल एंड दी एंड। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो। आज हमने ग्रैनी चैप्टर 2 में डोर एस्केप भी कर लिया है। अब इस गेम में बस एक और एस्केप बचता है जो कि है हेलीकॉप्टर एस्केप एंड नेक्स्ट हम वही करेंगे। एंड आई होप कि आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। लाइक के मैं रखता हूँ 300 लाइक्स का, सो हिट दैट लाइक बटन नाउ। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर गेम प्ले वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप मुझे कॉमेंट में रिकमेंड कर सकते हो कि नेक्स्ट मुझे कौन सा एंड्रॉयड हॉरर गेम खेलना चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।